सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग फाइनली बात करेंगे आपको अपना सेंसिटिविटी सेटिंग क्या रखना चाहिए ताकि अपना वन टैप जो है काफी ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाए। और उसके साथ साथ गाइस बात करेंगे आपको यहाँ पर DPI यूज करना है कि नहीं, और करना है तो आपको यहाँ पर कितना DPI यूज करना है, सारे कुछ गाइस आपको डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और गाइस उसी के साथ साथ आज जो सेंसिटिविटी सेटिंग मैं आपको देने वाला हूँ, ये सेंसिटिविटी सेटिंग अगर आप अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर लेते हो तो गाइस हर एक प्रो प्लेयर की तरह आप भी ओएनटे मारना शुरू कर दोगे। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, जो कि काफी ज्यादा मायने रखते हैं वांट अप प्लेयर के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोगों का सेंसिटिविटी सेटिंग गलत की वजह से आप लोगों का वांट अप नहीं लगता है, आपको सही से सेंसिटिविटी सेटिंग को रखना पड़ेगा आपकी मोबाइल के हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले ही बात करते हैं वांट अप लेने के लिए। तो गाइस आपको यहाँ पर पता ही है कि जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी, ये दोनों सेंसिटिविटी काफी ज्यादा मायने रखता है। सबसे पहले ही बात करते हैं आपका जनरल सेंसिटिविटी क्या रखना चाहिए। और गाइस ये जनरल सेंसिटिविटी होता है आपका कैमरा मोमेंट के लिए, बस आपका कैरेक्टर कितना मोमेंट करेगा, आपका डिस्प्ले में कितना मोमेंट दिखेगा, सारे कुछ गाइस ये जनरल सेंसिटिविटी की वजह से ही होता है। और गाइस अगर आप जनरल सेंसिटिविटी को लो रखते हो, यानी 50 के आसपास रखते हो, 60 के आसपास रखते हो, उससे गाइस आपका गेम प्ले के अंदर मोमेंट नहीं रहेगा। और गाइस अगर आपका मोमेंट नहीं रहता है तो गाइस आप यहाँ पर वन टैप नहीं ले सकते हो। अच्छा खासा वन टैप लेने के लिए, रेड नंबर वन टैप लेने के लिए आपको यहाँ पर अपना जनरल सेंसिटिविटी को 100 के आसपास रखना है, 95 प्लस आपको हमेशा रखना पड़ेगा। 95 प्लस आपको जनरल सेंसिटिविटी को रखना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा खासा वन टैप मारना चाहते हो, अच्छा खासा गेम प्ले दिखाना चाहते हो, अच्छा खासा मूवमेंट करना चाहते हो। और गाइस ये जनरल सेंसिटिविटी हर एक चीज के लिए काम आता है, तो गाइस आपको इसको 95 प्लस करके रखना पड़ेगा। अगर हो सके तो 100 करके रखो। और नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपका जनरल सेंसिटिविटी कितना है, ये नीचे कमेंट जरूर से जरूर करना। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि गाइस काफी सारे बंदे का डाउट है कि रेड डॉट सेंसिटिविटी क्या काम करता है और रेड डॉट सेंसिटिविटी को कहां रखना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी का काम क्या है। रेड डॉट सेंसिटिविटी का काम अगर आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताता हूं कि रेड डॉट सेंसिटिविटी का काम क्या है। ये जो रेड डॉट दिखता है इसका सेंसिटिविटी हिसाब से काम करता है रेड डॉट सेंसिटिविटी। और गाइस ये रेड डॉट सेंसिटिविटी आपका जितना ज्यादा रहेगा आप उतना ही फास्ट ड्रैग ले सकते हो, जितना फास्ट ड्रैग लोगे उतना ही आपको अच्छा खासा वन टैप लगेगा। आपको यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 100 के आसपास रखना पड़ेगा, आई मीन 95 के आसपास ही रखना पड़ेगा, 95 प्लस करके रखो रेड डॉट सेंसिटिविटी को। और गाइस यहाँ पर आपको और एक बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जनरल सेंसिटिविटी जहाँ पर होगा आपका रेड डॉट सेंसिटिविटी भी वहाँ पर ही होना चाहिए, आई मीन दोनों के इक्वल रखना पड़ेगा। अगर आप दोनों को इक्वल नहीं रखते हो तो गाइस आपका मोमेंट के हिसाब से रेड डॉट सेंसिटिविटी काम नहीं करेगा, और गाइस दोनों अलग अलग काम करेगा तो गाइस आपका वन टैप लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस आपको यहाँ पर करना क्या है, रेड डॉट सेंसिटिविटी अगर आपका 95 है तो गाइस आपको यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को भी 95 करके रखना है, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। तो गाइस आप बात करते हैं आपको मोबाइल की DPI यूज करना चाहिए कि नहीं, और करना है तो आपको कितना करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप DPI यूज करना चाहते हो तो गाइस आप कर सकते हो, लेकिन गाइस मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको DPI यूज करना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आप DPI यूज भी नहीं करोगे तो गाइस आप काफी आराम से वन टैप ले सकते हो, लेकिन गाइस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। और गाइस अगर आप DPI यूज करते हो तो गाइस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। और गाइस अगर आप DPI यूज करना चाहते हो तो गाइस आपकी मोबाइल के लिए खतरा हो सकता है। तो गाइस आप अगर DPI यूज करना चाहते हो तो गाइस आप अपने रिस्क पर कर सकते हो, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं देता हूँ कि आपको DPI यूज करना चाहिए या फिर आप DPI को यूज करो ज्यादा से ज्यादा। तो गाइस आप बात करते हैं अगर आप DPI यूज करना चाहते हो तो गाइस आपको कितना हाई करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूँ, अगर आप DPI यूज करते ही हो तो गाइस आपको यहाँ पर 100 से ज़्यादा कभी भी DPI को नहीं बढ़ाना है। और गाइस अगर आप 100 से ज़्यादा DPI को बढ़ा लेते हो तो गाइस उससे क्या होता है कि आपका मोबाइल जो है कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी डेड भी हो सकता है। तो गाइस आपको ये बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा अपने रिस्क पर ही लेना पड़ेगा
क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको डीपीआई को यूज करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर जो लोग डीपीआई को यूज करते हैं वो लोगों का मूवमेंट स्पीड थोड़ा ज्यादा होते हैं और इसी वजह से गाइस वो काफी इजीली किसी भी एनिमी को वन टैप ले लेते हैं। तो गाइस इतना सा ही फंडा है, बस आपको डीपीआई यूज करना है या फिर नहीं करना है ये आपके ऊपर। और गाइस उसके साथ साथ ये भी कॉमेंट करना कि आप डीपीआई यूज करते हो कि नहीं। तो गाइस चलो वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। उसी के साथ साथ गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक करना। लेकिन गाइस द गेमिंग डोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।